वेलकम बैक टू माय चैनल। चलते हैं पार्क, चलते हैं थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है। The park is a bit quiet at the moment, but might be it's going to get busy in a while, might be in a little bit in later afternoon or something, but so far is a quiet place, and I hope this is going to be a good day for my exercise. This is my best activity of the day. Like I always, like almost every day I come here for a walk or for exercise, which is really a very good habit, and inshallah I hope this is going to be a good day as well. See how things go. Aur exercise karni chahiye kyunki exercise hi aapko ek aapki sehat ko maintain rakhne mein help kar sakti hai. Exercise ke liye zarur time nikaliye taaki aap अपने आप को फिट, हेल्दी और स्मार्ट रख सकें। स्मार्ट रखने का यही तरीका है, हेल्दी रखने का यही एक तरीका है कि आप एक्सरसाइज करें, आप वॉक करें, रन करें, वर्कआउट करें, ताकि आप बेटर परफॉर्म कर सकें अपनी लाइफ में। सो दिस इज़ माय जॉगिंग ट्रैक, सो आई एम गोना स्टार्ट फ्रॉम हियर नाउ। अभी मैंने अपना एक राउंड मुकम्मल किया है, अभी स्टिल आई हैव टू डू फोर मोर बिकॉज़ चार या पांच जो होते हैं वो राउंड्स मैंने करने होते हैं। अगर आपने मेंटली, फिजिकली, इमोशनली अगर आपने अपने आप को फिट रखना है तो देन यू हैव टू डू द एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में आप वर्कआउट भी कर सकते हैं, लेट्स से अगर आप जिम जाते हैं तो भी आपके लिए ठीक है, लेकिन अगर आप फ्रेश एयर में, लेट्स से अगर मुझे तो बहुत ज़्यादा, मुझे जो ये जो नेचर है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और मेरा दिल करता है कि मैं जाऊँ बाहर, इंजॉय करूँ, नेचर को इंजॉय करूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी स्प्रिंग सीज़न है यहाँ पे और जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और ग्रीन एवरीवेयर, वेयर एवर यू सी देयर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रीन अराउंड, इवन माय शर्ट इज़ ग्रीन एज वेल बिकॉज़ आई लाइक ग्रीन कलर। हेल्दी होते हैं, जब आप अच्छी सेहत होती है आपकी, तो आपको सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। अल्लाह ना करे अगर वैसे लोग बीमार भी हैं, आजकल कोरोना की वजह से लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप लेट्स से कि एक्सरसाइज करते हैं और आपको एक्सरसाइज करने की आदत है, तो मैं आपको बताऊँ कि दिस इज़ द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड
ठीक है। यहाँ पे भी आप यूके में भी देखें, जब लॉकडाउन हुआ तो गवर्नमेंट ने सारे ऑलमोस्ट बिजनेसेस, ऑल द बिजनेसेस एंड एवरी बिजनेस एक्टिविटी वाज शट डाउन अपार्ट फ्रॉम द एक्सरसाइज। गवर्नमेंट ने कहा कि जी आप एक्सरसाइज के लिए आप बाहर जा सकते हैं, अपनी एक्सरसाइज करें, अपने आप को फिट हेल्दी और स्मार्ट रखें, क्योंकि एक्सरसाइज से ही आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं और यह अपनी लाइफ इंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस व्लॉग को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप एक्सरसाइज करें, इंजॉय करें अपनी लाइफ को, जस्ट मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। लाइफ ये नहीं है कि आप बस घर बैठे रहें या काम काम से घर, काम काम से घर, नो। आई थिंक यू शुड हैव हॉबी, लाइक कि आप मेक योर एक्सरसाइज एज अ हॉबी, क्योंकि जब आप अपनी एक्सरसाइज को एज अ हॉबी लेंगे तो आपके लिए एक्सरसाइज करना और इसको कैरी ऑन करना, क्योंकि एक्सरसाइज करना इज़ नॉट डिफ़िकल्ट फॉर फ्यू डेज, लेकिन इसको कैरी ऑन करना इट्स ऑलमोस्ट अ चैलेंज, इट्स ऑलमोस्ट अ मिशन। तो कोशिश करें कि अपनी जो आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें से आप टाइम निकालें और एक्सरसाइज को एज अ हॉबी लें। जब आप एज अ हॉबी इसको लेंगे, एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना और अपने दिन की जो एक्टिविटी है उसमें एज अ हॉबी इसको लेना, आपके लिए आसान होगा और आपके लिए इजी होगा, और इससे आप यही होगा कि आप अपनी एक्सरसाइज पे टाइम दे सकेंगे, अपने आप को सेट रख सकेंगे, फिट और हेल्दी रख सकेंगे, जो कि रखना भी चाहिए। पार्क का एरिया है जहाँ पे ये एक ब्रिज है, नीचे ट्रेन ट्रैक है और यहाँ पे ये एक ब्रिज है। इस ब्रिज के ऊपर ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ग्रेफिटी हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमारे लोगों ने ग्रेफिटी के ऊपर ग्रेफिटी करके इसकी तबाही निकाली हुई है। क्या बात, हम लोग यहाँ भी होते हैं ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये वो पार्क है जहाँ पर मेजोरिटी अपने लोग हैं, लेट्स से एशियन हैं जो आते हैं। यहाँ की ग्रीनरी इज़ ऑलमोस्ट द बेस्ट थिंग। यहाँ पे जब मौसम बहार आता है तो इतने प्यारे यहाँ पे फूल खिलते हैं, इतने प्यारे, बल्कि मैं आपको लेके जाता हूँ, यस आप कह रहे ना, मैं आपको लेके जाता हूँ वहाँ पे जो फूलों का एरिया है वो दिखाता हूँ आपको। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ पे उन फूलों की हिफाजत के लिए यहाँ पे पार्क की मेंटेनेंस के लिए भी स्टाफ है, लेकिन उन स्पेशली उस पर्टिकुलर एरिया के लिए स्पेशल स्टाफ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फूल खिले हुए हैं। तो मैं अभी उस एरिया में हूँ तो आपको दिखाता हूँ, ये रहे फूल, ये बहुत ही प्यारे फूल हैं और ये यहाँ पर स्पेशली प्लांट किए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर इस तरह के हैं और यहाँ पर ये येलो फ्लावर्स हैं। अभी इन्होंने मेरे ख्याल साथ ये इस तरह के जो प्लांट्स हैं वो भी मेरे ख्याल किसी डिफरेंट नेचर के प्लांट्स लगाए हैं। अभी ये इनके फूल खिलेंगे तो पता चलेगा कि ये कौन से हैं। इसी ये मैंने आपको बताया था ना, ये वो फ्लावर्स हैं जो ये देखें, ये वाइट वाले हैं, ठीक है, साथ ये पिंक हैं, ये येलो वाले हैं और ये लाइट पिंक भी हैं। अच्छा, वो आपने देखा है, वो वाले लाइट पिंक हैं, ठीक है, इसी तरह वो रेड हैं, ठीक है, वो प्योर वाइट हैं। मेरे ख्याल ये पौधे तकरीबन और ये जो प्लांट है वो तकरीबन सारा ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ये जहाँ पे जो इनके जो कलर्स हैं ना प्लांट्स के, सॉरी फूलों के, वो थोड़े डिफरेंट हैं, ठीक है। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ़ यू आर हेयर एंड यू गोना लव दिस नेचर, इफ़ यू आर अ नेचर लवर, लाइक अगर आपको नेचर पसंद है तो दिस इज़ द प्लेस वेयर यू कैन कम, यू कैन हैव अ फन, यू कैन वॉक, यू कैन डू एक्सरसाइज।
it's really very hot day today. और जब आप छांव पे आते हैं तो यकीन करें इतने मज़े की हवा, इतनी प्यारी. आज बहुत ही क्वाइटनेस है वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट. वैसे पार्क इतना क्वाइट होता नहीं है क्योंकि मेरे ख्याल लॉकडाउन खुलने की वजह से आई थिंक सारे लोग अपने अपने कामों पे वापस चले गए हैं. इनफैक्ट मैंने भी काम पे जाना है लेकिन शाम को जाऊँगा. सो मेरा काम स्टार्ट होता है शाम को. देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा दरख्त था, तो मेरे ख्याल बहुत पुराना दरख्त था कोई, तो इन्होंने काट के इस दरख्त की ऐसी की तैसी मार दी है. हाउ बिग इट इज़, यू सी, इंतहाई बड़ा. और ये जो है ये काफ़ी पुराना दरख्त था, जो मेरा ख्याल है साथ ये जो लगे फेंस को, ये जो पार्क का फेंस है ना साथ, मेरा ख्याल है इसको डैमेज करने लगा था. तो इन्होंने क्या किया कि जी कि इन्होंने इसको काट के इसको ये हालत कर दी इसकी. देखें इतने बड़े ट्रंक में से भी ये देखें, ये इसके पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं. मेरा ख्याल है यहाँ से ये दोबारा उगेगा, शायद क्या पता यहाँ से भी इसको काट दें. मेरा ख्याल व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, आई लव दिस, दिस इज वन ऑफ द स्टनिंग व्यू यू कैन एवर सी. यू सी इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस टू बी हियर. In this beautiful day, in this beautiful weather, and I'm loving it. This is the best one. I literally love this place. Literally love this place. This is the best one. मैंने बहुत एक्सरसाइज कर ली आज, और आज के लिए मेरा ख्याल है यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं. और मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा. आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें. और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगले ब्लॉग में. टिल देन, बाय.